यूपी के बांदा में जिलाधिकारी की ओर से अनोखी पहल की गई है। जिलाधिकारी निरीक्षर प्रधानों को साक्षर बनाने के लिए पाठशाला लगवाएंगे। साथ ही इस मिशन को एक नारा भी दिया गया है, साक्षर प्रधान गांव की शान। निरीक्षर प्रधानों में सबसे ज्यादा महिला प्रधानों की संख्या है, जिनकी अब सात दिन क्लास लगाई जाएगी। इस मिशन के लिए जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और खुद कमान संभाली है। इस मिशन के तहत निरीक्षर प्रधान स्वयं योजनाओं को पढ़ सकेंगे और लोगों को समझा सकेंगे, साथ ही हस्ताक्षर भी कर सकेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने इस मिशन को मिशन शक्ति अभियान 3 के साथ जोड़ा है। वहीं जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि जब हम किसी भी निरीक्षर प्रधान से योजनाओं के बारे में पूछते थे तो वे बता नहीं सकते थे। खासकर महिला प्रधानों के साथ यह समस्या थी, उन्हें अपने पति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। इसी के चलते जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधान के स्कूल के शिक्षक को यह दायित्व 60 दिनों के लिए सौंपा कि वे इनको दिन में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सबसे कल्याण आत्म संपदा सत्यपुत्र नाचाय डीएम साहब ने दिया कि जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, निरक्षर हैं, उनको टारगेट दिया गया कि 60 दिवस के अंदर उनको साक्षर बनाना है, पढ़ना लिखना ये उनको सिखाना है, हस्ताक्षर करना सिखाना है। ग्राम प्रधान आपके पास कैसे आएंगे? ये विद्यालय में आएंगे, जो बाहरी अध्यापक हैं वो विद्यालय में पढ़ने आएंगे, उन अध्यापकों को पढ़ाना है, और घर में जो गाँव के शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, वो उनको घर में जाके पढ़ाएंगे। कितने दिन में लगभग ग्राम प्रधान साक्षर हो जाएंगे? 2 महीने का टारगेट है, 60 दिन का, तो उम्मीद है कि दो इसके अंदर ही पूरा कर देंगे। निरक्षर प्रधानों को साक्षर करना है, पढ़ाने के लिए लिखना पढ़ना। कैसे पढ़ाएंगे, क्या योजना क्या है आपके? ये तो मतलब देख के बताएंगे, उसमें मिला है उनमें मटेरियल पूरा जैसे होगा उसको देख के समझ के पढ़ाएंगे उन लोग को। कितने दिन में लगभग तैयारी हो जाएगी? 2 महीने का है, लेकिन अब उसके हिसाब से देखेंगे। एक तो उनकी एज भी ज्यादा है, आने की जिम्मेदारी ये है पढ़ना लिखना, पहली बात तो उन्हें नाम लिखना अपना आ जाए, साक्षर हो जाए, दस्तखत करना सिखाएंगे पहली बात। जनपद बांदा में हमने सर्वेक्षण कराया तो मुझे पता चला कि सभी 8 ब्लॉकों में 58 ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिसमें 53 महिला प्रधान है और 5 पुरुष प्रधान है, ये भी निरक्षर हैं। तो हमने इनको साक्षर करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका हमने स्लोगन दिया है, नारा दिया है, साक्षर प्रधान गांव किसान। इन महिला ग्राम प्रधानों को मिशन शक्ति अभियान फेज 3 से जोड़ा है, जो हमारी प्रदेश सरकार लगातार चला रही मिशन शक्ति अभियान, इसमें फेज 3 चल रहा है, उसी क्रम में हम इन 53 महिला प्रधानों को पढ़ाकर साक्षर बनाने की योजना को इससे जोड़ा है।